हेलो गाइस, वेलकम बैक टू थ्री इडियट्स रिएक्शन। आज हम देखने वाले हैं खेसारी भाई का धोखेबाज हो गया, और इसमें चांदनी सिंह है। और ऐसा क्यों लगा ये थोड़ा? काफी आपकी डिमांड थी, काफी पुरानी भी डिमांड थी, मतलब 1.5 महीना हो ही गया लगभग। 1.5 महीना नहीं, महीना तो हो ही गया है। काफी टाइम से मैं सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ, मतलब सुन ही रहा हूँ पढ़ रहा हूँ। तो फाइनली भाई ये भी आपकी डिमांड पूरी हो गई है। बाकी जो अब तो शायद मेरे ख्याल से ज्यादा बंदों को अभी तकलीफें हो नहीं रही हैं। ना, अब आप लोग खुश हो अब थोड़े कवर बहुत, है कर लिया ना। धीरे थोड़ा हो थोड़ा गया भाई, थोड़ा कितने 50-60 वीडियो गाने कर दिए मेरे को लग रहा है कि सारी आराम भाई की हमने से। कवर। ठीक है, बाकी आ रहे हैं डेली, लग रहे हुए हैं। और कोशिश करो यार, थोड़ा हमारा चैनल ना 3-4 दिन से बड़खप्पे हो गया हुआ है। वो यूट्यूब का एल्गोरिदम से हुआ हुआ है, किसी की गलती की वजह से नहीं हुआ हुआ। बस आपसे यही सपोर्ट चाहिए। एक बंदा चाहे 50 कमेंट करो, 100 कमेंट करो, हमें दिक्कत नहीं है। कमेंट सेक्शन भरो, मतलब कमेंट सेक्शन से हमारी एंगेजमेंट थोड़ी सी अप हो जाएगी। ठीक है, वीडियो का थोड़ा सा अप पे, बस समझो कि आपके कमेंट चाहिए। एक बंदा जितने ज्यादा कमेंट कर सकता है करो, ठीक है। 400, 500, 200, 400, 500, 1000, 2000, जितने कमेंट कर सकते हो कर दो, सपोर्ट दिखा दो बस इस बार अपनी। आप लोग कम्युनिटी में पूछ रहे थे क्या हुआ क्या हुआ, हुआ तो बड़ा कुछ है भाई। मूड भी काफी ऑफ था, बट फिर भी आपके पीछे हम आए हुए हैं। वीडियो करते हैं स्टार्ट, कटाच करके कमेंट सेक्शन भरो, कमेंट जितने कर सकते हो कर दो। ठीक है, लाइक भी कर ही देना, ये ना कमेंट ही भरते फिर। ठीक आओ है, वीडियो करते हैं स्टार्ट, कटाच करके बिना दोनों की बकवास सुने। ओके, थैंक यू। इतना बड़ा इंट्रो, अच्छा ये इनका पहले भी तो किया हमने। अबे यार काम है, डेली डेली तुम गर्लफ्रेंड बदलते हो, अच्छा। दिल एक से लगा के नहीं चलते हो। खाली हम होगा नहीं क्या लोग का? यार ये जो वोकल की मात, क्या बोलूं बोला यार, ना, एक कुछ लोग ऐसे यार मैंने ना इतना तुम भाई, इतना ब्लंडर आदमी हो, उसके में तुम ऐसी म्यूजिक डाल उसकी। वो मेरे को तो ये समझ नहीं आता तुम इतना ऑटो ट्यून करते क्यों हो यार। पता इतनी नहीं प्यारी आवाज है खेसारी भाई की यार, क्या बोला वो वर्ड बिल्कुल समझ नहीं आया, वो पीछे ही चूत गया वो। पहले जो मैं रह रहा हूँ हाँ, एक वो गाना है अफसाना खान का, हम इतने थे हसीन बेहिसाब हो गए, धोखेबाजों धोखे में रह रह के धोखेबाज हो ये गए, बोला ना भाई, और ना धोखा खा रहा है धोखेबाजों धोखे में बाद रह। में। तो मतलब हम सिमिलर नहीं बोल रहे, पर नहीं, लिरिक्स सेम हो रहे। हाँ बट एक बात और है, ये गाना पुराना है शायद। हाँ हाँ वो बाद में आया। तो ठीक है, लड़के भी लड़कियों को फंसाते हैं, सब पाते ही वो छोड़ जाते हैं। हम अकेले पाते हैं क्या? पहले ऐसा नहीं था जैसे आज हो गया, धोखा खा खा के मैं भी धोखेबाज हो गया। पहले ऐसा नहीं था जैसे आज हो गया, धोखा खा खा के मैं भी धोखेबाज हो गया। कुछ टेक्निकली चीजों पे बात करूंगा, मेरे को करना अच्छा लगता है क्योंकि शायद काफी बंदे समझते हैं जो मैं टेक्निकल चीजों पे आ जाता हूँ। अभी ऐसा क्या हो रहा है कि जो हमने ऑटो ट्यून की बात की स्टार्टिंग में, वो उस वर्डिंग में ही था, उसके बाद थोड़ी कम लगी, है ना, हाँ खेसारी भाई का समझ आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये, सेकंड ये कि जब इनकी इनका अंतरा आया, अंतरा मीन्स के जब पार्ट आया, इनका मतलब जब वो स्टार्ट होता है ना एक गैप के बाद प्रॉपर, है ना,
अंतरे में जो म्यूजिक के एलिमेंट्स चल रहे हैं ना, वो मेरे को सही नहीं लग रहे, वो ना अनमैच है, मतलब अनमैच नहीं कह सकते, प्रॉपर अनमैच नहीं, वो ऐसा लग रहा है कि गाने को सूट नहीं कर रहे। हाँ, जिस हिसाब की कॉम्पोजिशन और लिरिक्स चल रहे हैं ना, उसकी आवाज वैसे आप और वो सूट नहीं कर रहे। बट एक चीज और अच्छी क्या है, जब राइमिंग आ जाती है ना कि मैं धोखेबाज नहीं था पहले आज हो गया, वहां से बढ़िया हो जाता है, वहां से बढ़िया हो रहा है। जब बीट आ रही है प्रॉपर राइमिंग के बाद, वहां से प्यारा हो रहा है। बीच बीच का क्या है, अभी जैसे अभी अभी तो ढाई मिनट का है ना, अभी फिर एक अंतरा आएगा, मैं आपको अभी रुक रुक के थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। मैं क्यों बताता हूँ कि जो म्यूजिक वाले बंदे हैं भाई, उनको पता लगे कि म्यूजिक का भी क्या रोल है भाई। हम ठीक है, हम यहाँ पे बैठे हैं और वीडियो पे बात करूंगा एंड में, क्योंकि वीडियो में वीडियो बहुत ही लो बजट लग रही है, ठीक है। एक ही जगह पे शूट हो गया है, वो पीछे वो ब्लू लाइटें लगाई हुई हैं रैंप वाली, वो तो एक ही जैसे मतलब कोई रेस्टोरेंट है उसके बाहर शूट कर दिया, वो मेरे को ठीक नहीं लगा, और ड्रेसिंग भी एक ही जगह पे निकाल दिया। फिलहाल आगे चलते हैं, एंड में बात करते हैं। अब भाई को कोड चेंज किया गैप, अब आया ये दिल वाली से दिल जो लगाओगे, सच्चा वाला तभी प्यार पाओगे, सब यही कहते हैं लेकिन कोई मिले तो सही। बड़ा ना ऐसे लो लो सा लग रहा है यहाँ पे, या तो पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं है। मैं अब बीच में घुस जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं अगर बीच में घुस गया वो फिर प्रॉपर बीच में घुस के निकालनी पड़ेंगी चीजें, ठीक है। उसमें नहीं घुसने हैं, आप भी समझो, आप डेली वॉच कर रहे हो, हमें भी हमारा क्या रिएक्शन रहता है, क्या रिव्यू रहता है, या तो खासकर जो ईयरफोन लगा के सुनते हैं, अगर आप बता देना कि आप ईयरफोन लगा के सुनते हो नहीं, तो आपको ज्यादा अच्छे से पता लगेगा मैं किस पे बात कर रहा हूँ। अभी जब राइमिंग आएगी ना जैसे ही, वहां से मस्त आ जाएगा, मैं बताऊंगा एक्सप्रेशन देख लेना मेरे। अब सही हो जाएगा, चाहे धोखा मिले या प्यार, कोई कष्ट नहीं। श्याम देहाती आजाद भी नाराज हो गया, और कितनों को नाराज करोगे यार, अब मजा आएगा, सुधर जाओ, जीवन भी वादे में रहेगा, अब सही लगेगा। समझे ये चीज हो रही है, एंड भी अच्छा किया बस, मतलब समझे मेरा पॉइंट, मैंने एक्सप्रेशन से समझा दिया एंड में। लड़की में भी ज्यादा वो उसका हो जाता है, हाँ, मतलब वो पीछे एलिमेंट उन्होंने क्या यूज किए वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मतलब समझ आ रहा है मतलब कि सूटेबल नहीं है वहां पे, जिस हिसाब के लिरिक्स और कॉम्पोजिशन चल रही है वो चीज वहां पे मैच नहीं कर रही है एग्जैक्टली। राइमिंग और बीट परफेक्ट आ रही है, वो भी मैंने आपको बताया ना पूरे एक्सप्रेशन करके, तो साथ साथ में बोल के समझने वाले समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे भाई तो वो तो यही समझेंगे कि भाई बेइज्जती कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं, हम टेक्निकल चीज पे बात कर रहे हैं, उस पे किसी भाई का कोई सीन नहीं है। किसी चीज का हम टाइम दे रहे, किसी अच्छी चीज में खुश हो गए तो समझो, तो उसमें फायदा भी, या देखो हम रात में इसमें बैठे हैं इनको रिएक्शन करने के लिए, अब किस लिए बैठे हैं, आपको भी कुछ नॉलेज मिल जाए और हमें भी कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए, ठीक है। कोई कोई चीज होती है हमें खुद बड़ी प्यारी लगती है, अगर बात की जाए अब बीच में कुछ लड़कियों की, वो बीच में ठीक आई थी, लड़की ने अच्छा रोल निभाया, जो निभाया तो वो तो निभाया ही, अच्छा है। वीडियो की बात करें तो वीडियो में कुछ नया ही नहीं था, नया तो चलो छोड़ो क्या ही था, कि वीडियो ऐसे प्रोफेशनली वीडियो नहीं थी ना, ठीक है ना, मतलब ऐसा शूट हमारे मतलब मेरे कुछ जूनियर आर्टिस्ट वो भी करके दे दे मतलब ठीक है, बाकी कोरियोग्राफर का नाम है दे दिया, हाँ उनका उनका काम बढ़िया था, डायरेक्टर और कोरियोग्राफर है प्रसून यादव, ठीक है, और सिंगर और वो प्रियंका सिंह है इनके साथ इस बार, और चांदनी सिंह थी लीड में, प्यारा उन्होंने वो ओके रिपोर्ट अपनी ठीक दिया। एडिटर थे शिवा शर्मा और डीओपी थे साहिल जे अंसारी, उनका कोई सीन नहीं है, बात आती है डायरेक्टर पे, क्योंकि भाई डायरेक्टर का ही काम होता है कि सेट कैसा होगा, फिर वो आर्ट डायरेक्टर को काम देता है कि भाई मेरे को सेट ऐसा चाहिए, फिर कॉस्ट्यूम वाले को बताया जाता है कि कॉस्ट्यूम ऐसे होंगे, जो कि इसमें बहुत कमी थी इस चीज़ की, ठीक है। वो अब ये जाने है, अब वो जाने, हमारा काम था वन टेक फर्स्ट रिएक्शन करना, तो यही था, बाकी गाना मस्त था, गाना लिरिक्स वाइज और कॉम्पोजिशन वाइज अच्छा था, म्यूजिकली थोड़ा हो गया, ठीक है। बीट अच्छी थी जब वो रैमी के बाद आ रहा है, जो मैंने पहले बताया, बाकी वही है, बाकी इसी के साथ वीडियो करते हैं खत्म, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए थ्री इडियट्स रिएक्शन, ड्रॉप पर लिख करें, पीस आउट।